जैमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय रानपुर में शुभारंभ के साथ ही प्रथम सत्र में ही नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रमों में नवाचार करते हुए क्वालिटी एजुकेशन रोजगार उन्मुख कोर्सेज को प्राथमिकता दी, साथ ही अध्ययन प्रणाली को भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट से जोड़कर विद्यार्थियों के लिए रोजगार उन्मुख बनाया है। जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय के चेयर पर्सन आर डी मीणा ने मंगलवार को विश्वविद्यालय के मीटिंग हॉल में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत रोजगार उन्मुख उच्च शिक्षा के प्रति विद्यार्थियों का रुझान देखने को मिल रहा है। जयमिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय का सत्र 2023-24 प्रारंभ हो चुका है। 19 तारीख को हमने इसकी ओपनिंग की थी। हमारी एडमिशन प्रोसेस लगातार चल रहा है। हमने प्रथम वर्ष होते हुए भी कला के लगभग 10 सब्जेक्ट को प्रारंभ किया है। कॉमर्स और विज्ञान भी हमारा शुरू कर रहे हैं और इसके साथ साथ न केवल यूजी बल्कि स्नातकोत्तर कोर्सेज पीजी को भी हमने कुछ सब्जेक्ट के साथ प्रारंभ किया है। महत्वपूर्ण हमारा जो मिशन है, जिसको विजन कर सकते हैं हम लॉन्ग टर्म के रूप में, उसका यह है कि हम क्वालिटी एजुकेशन छात्रों को देवें और उस क्वालिटी एजुकेशन को हम रोजगार के साथ किस प्रकार से जोड़ सकते हैं, ये मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए कुछ कोर्सेज हमने डिजाइन की हैं। चूँकि पहला साल है और प्रथम वर्ष में हमने काफ़ी कुछ किया है इस एजुकेशन को, इस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाने के लिए, तो आवश्यकता है कि हम और ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ। मैं समझता हूँ कि हमने एक मिशन के रूप में काम करते हुए जो व्यवसायिक शिक्षा का जो कई संस्थाओं का जो दे रहता है उसको करते हुए हमने एक जो हमारा फीस का स्ट्रक्चर है उसको आधी से भी कम रखा है हर कोर्सेज में, और साथ में जो मेरिटोरियस छात्र छात्रा हैं उनको भी हमने 25-50% तक फीस में रिलैक्सेशन दिया है। क्षेत्र को देखते हुए हमारा जो पाठ्यक्रम हमने डिजाइन किया है उसको ऑल इंडिया सर्विसेज को भी आधार माना है, और ऑल इंडिया सर्विसेज के साथ 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 हम बच्चों की काउंसलिंग और साथ में रेगुलर जो कोचिंग की व्यवस्था है ये भी आगे बढ़ाना हमारा इस यूनिवर्सिटी का प्लान रहेगा सर।